बब्बर शेर का इंतजार करते करते क्या ये पूरा दिन आज यहीं बिताने वाले हैं? ऐसे पड़ा बताइए, ये हमसे ही डर रहा है। नाम देखो बब्बर शेर है, ऐसे पड़े हुए हैं। उन्हें आना चाहिए, घूमना चाहिए, जंगल की राजा घुमाने जाते हैं। को बस करना है सब्सक्राइब, जिसका नाम है वेस्टा लाइव। बब्बर शेर आए ना आए, मगर आपके सामने एक शेर के सामने ही है। कानपुर के चिड़ियाघर में आप सभी का स्वागत है। कृपया जानवरों से छेड़छाड़ ना करें, वरना यहाँ और भी पिंजड़े खाली हैं। जनहित में जारी। इतना लंबा ट्रैक है इसका कि आप चलते चलते थक जाएंगे, और हमें जो यहाँ पे असिस्ट करने वाले हैं मिस्टर अनुज, मैं बस इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो चार्जेस हैं, अगर कोई आ रहा है तो किस तरीके से चार्जेस हैं मिस्टर अनुज जी? बड़ी कार्ट का 210 रुपए, जिसमें 7 सीटर है, 5 सीटर का 180 है, 3 पीपल का है 120, 45 मिनट की टोटल राइड होती है। और इस राइड में हम क्या क्या देखने वाले हैं? लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड मिलेगा, राइनो है, हिप्पो है, स्नेक हाउस, फिश एक्वेरियम, बाकी बर्ड्स हैं। कारवां चलाने वाले जो हमारे सारथी हैं, वो हमको बताएंगे कि अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं। तानू जी, हम किधर किधर जा रहे हैं? आपको हिमालयन बियर मिलेगा। अच्छा, फिर लेपर्ड है, टाइगर है। इसका मतलब है कि ये सफ़र भी बहुत अच्छा होने वाला है, कि आपके बीवी बच्चे दोस्त लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। हम आ चुके हैं सबसे पहले हिमालयन बियर के पास में, तो आप देख ही सकते हैं कि ये हिमालयन ब्लैक बियर, जिसको खाने में अच्छा लगता है फल, शहद, दीमक आदि। और यहाँ पे हमने आके देखा कि जो बियर साहब हैं वो अपना आराम से सो रहे थे, और यहाँ से अब हम निकलेंगे अपने नेक्स्ट गंतव्य स्थल पे। तो आप देख ही सकते हैं हमारे राइट साइड में लेपर्ड और तेंदुआ का भी पिंजरा निकल गया है, लेफ्ट साइड में ये है, यहाँ पे हमको टाइगर भाई साहब मिलेंगे। तो चलिए जरा उनके भी दर्शन कर लेते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, इस समय हम आ गए हैं आमने सामने, यहाँ पे आपको लेपर्ड दिख रहा है जो थोड़ा सा हमारे सामने चहलकदमी कर रहा है। अच्छी बात यह है कि जो लेपर्ड भाई साहब हैं थोड़े से एक्टिव हैं, और इसी के ठीक सामने आपको मिलेगा टाइगर, तो हम टाइगर भी देखेंगे। ये लकड़ियों का ब्रिज इनके लिए बनाया गया है, जहाँ पे ये चढ़ के आराम से एंजॉय करते रहते हैं, खेल कूद करते रहते हैं। तो बस देर किस बात की है, आइए मिलते हैं अपने अगले मेंबर से जो हैं टाइगर। तो ये देखिए, सामने मैंने आपको दिखाया था लेपर्ड, जिसको तेंदुआ भी कहते हैं, और उसके ठीक सामने हम आ गए हैं जहाँ पे हम रूबरू होंगे, आपको भी मिलवाएंगे टाइगर भाई साहब। इसके ऊपर एक पिक्चर भी आई थी, एक था टाइगर, तो मैं यही कहूँगा सेफ टाइगर सेफ नेचर। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी जद्दोजहद करके हमको टाइगर का ये फुटेज लेना पड़ रहा है चिड़ियाघर में, क्योंकि यहाँ पे जो सुरक्षा करी गई है, आप इसके अंदर आप जा भी नहीं सकते हैं, तो हमको बहुत दूर से ये फुटेज लेना पड़ रहा है टाइगर का। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मगर इस समय लगता है कि टाइगर भी जो है वो खा पी के आराम से सो रहे हैं। तो आपको मैं बता दूँ, ये चिड़ियाघर इतना बड़ा है कि इसको कवर करने के लिए मैं तो पैदल चल नहीं सकता हूँ, तो मैंने ये एक कार कर लिया, इलेक्ट्रिक कार, जो आप भी इसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पूरा 45 मिनट से 1 घंटे का ट्रिप आप कर सकते हैं, जो कि सिर्फ आपको 200 से 250 के बीच में पड़ेगा। तो ये देखिए, टाइगर की तरफ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमको मिल गए कैंडा भाई साहब, जिनका नाम भी है मानू, और ये मानू राइनोसोरस को देखने के लिए हम आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरीके के देखने के लगते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है तो सामने हैं, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। चिड़ियाघर सच में इतना बड़ा है कि यहाँ पे अगर आप पैदल चलने आ रहे हैं तो आपको पसीना भी आएगा, प्यास भी बहुत लगेगी। तो अगर आप पैदल चल रहे हैं तो अपने साथ वाटर बॉटल लेके ज़रूर चलें। और ये देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पे ट्रेन भी चलती है। हमारे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं लेपर्ड तेंदुआ का यहाँ पे बाड़ा है, और यहाँ पे आपको खाने पीने की भी सब सामग्री आपको मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप चिड़ियाघर में घूम रहे हैं तो आपका जो दिन है बहुत ही सुहाना होने वाला है। तो आप देख ही सकते हैं सामने मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जुरासिक पार्क के डायनासोर के मॉडल्स यहाँ पर बने हुए हैं। इतना अच्छा ट्रैक बना हुआ है, जिसको क्रॉस करके हमारी गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। और राइट साइड में हमारे आ चुका है सांबर, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, बस थोड़ी देर में हम आ गए हैं सांबर हिरण में, जो कि संपूर्ण भारत में पाया जाता है। ये इसका आहार जो है वो घास पत्तियाँ आदि है, और ये पूरा बोर्ड भी घास पत्तियों के बीच में गिरा हुआ है। तो आइए इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि सांबर कानपुर के चिड़ियाघर में कैसे लगते हैं देखने में।
और ये सभी एक झुंड में होके किस तरीके से देखिए अपना आहार खा रहे हैं, घास पत्तियाँ हैं जो इनका आहार, और उसका ये पूरा आनंद उठा रहे हैं। और अगर आप देख रहे हैं राइट साइड में एक प्यारा सा मोर भी है जो इनके पास आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि यह घर में जितने भी जानवर रहते हैं वो भी कितने मेल मिलाप के साथ रहते हैं। तो ये देखिए स्पॉटेड डियर के बाद में हम आ गए हैं काला हिरण, जिसको कहते हैं ब्लैक पक। काला हिरण आपके सामने देखिए झुंड में कैसे इनकी सींग भी है, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनके साथ में आपको पैकेज में आपको मिलते हैं ये प्यारे दो बंदर, इनको देख के आप थोड़ा सतर्क हो जाए क्योंकि ये कभी भी किसी क्षण आपसे कुछ भी छीन सकते हैं। तो आर्यन कैसा लग रहा है हमारे साथ घूम के? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, बेस्ट एकदम। तो आप देख ही रहे हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो इस तरीके से हिलडुल कर रही है कि हमारा कैमरा भी हिला जा रहा है, मगर फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कानपुर के चिड़ियाघर के नज़ारे, क्योंकि यहाँ पे है ढेर सारे जानवर। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए जिसका नाम विस्टर लाइफ। तो चलते चलते हमको ये मिला साइन बोर्ड जहाँ पे सामने आपको दिखा रहा है बब्बर शेर और जबरा, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको मिलेगा दरियाए घोड़ा, और राइट साइड में जाएंगे चौसिंगा, मछली घर और तितली पार्क। तो आप सोच लीजिए कि आपको कहाँ पे जाना है। चलते चलते हमको और एक साइन बोर्ड मिला जहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा है सांप घर, एमू, घुरल, और अगर आप सीधे जाएंगे तो आपको मिलेगा बारहसिंगा, तितली पार्क, मछली घर। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने लेफ्ट साइड में है मछली घर, जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको भांति भांति किस्म के आपको मिलेंगी मछलियाँ, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा चिड़ियाघर का ये नज़ारा। तो बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता रहूँगा कि और आप यहाँ पे चिड़ियाघर में क्या देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हम आगे बढ़े और हमको मिल गया ये बटरफ्लाई पार्क, जो कि तितली घर के नाम से जाना जाता है, और ये है कानपुर के चिड़ियाघर में। तो अगर आप तितलियों के शौकीन हैं तो इस पार्क में जाके आप देख सकते हैं बहुत तरह की, बहुत किस्म की तितलियाँ, और इस जगह को कहते हैं बटरफ्लाई पार्क। तो देखिए चलते चलते हम आ गए हैं बारहसिंगा स्वैम डियर के पास में, जिसका आप देख ही सकते हैं कि वेट जो है 170 से 200 किलो तक होता है मेल का, फीमेल का 140 से 145 किलो का, 20 से 25 साल ये आराम से जी लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखने में कैसे लगते हैं। तो ये लीजिए हम आ गए हैं इस समय बारहसिंगा के पास में, यहाँ पे एक हमारे पास बारहसिंगा बैठा है जो कि उल्टा मुँह करके बैठा है, उसका चेहरा हमको नहीं दिख रहा है, मगर आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से और भी बारहसिंगा बैठे हुए हैं झुंड में, आराम से बैठे हैं खा पी के और इस मौसम का पूरा मजा ले रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि कानपुर के चिड़ियाघर का नज़ारा इतना बड़ा है, आपका पूरा एक दिन यहाँ पे चला जाएगा। और इसी के लिए हमने तो कर ली अपनी बढ़िया सी कार, इसमें हम बैठ के घूम रहे हैं और आपको नज़ारे दिखा रहे हैं सारे जानवरों के। हमारे लेफ्ट साइड में आ चुका है नील गाय, जिसको कहते हैं ब्लू बुल, और सामने आप देख ही सकते हैं कि नील गाय किस तरीके से है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ी जूम करके आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए चलते चलते हमारे सामने आ गया है सांप ग्रह, जिसको कहते हैं सरीसृप ग्रह। अगर आप रेप्टाइल्स के दीवाने हैं और सांप को देखना आपको अच्छा लगता है तो इसके अंदर प्रवेश करिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के आपको सांप मिलेंगे। तो आप देख ही सकते हैं इस समय हम आ गए हैं जंगल सफारी के बीच में, जहाँ पे आपको इतने सारे जानवर आपको मिलेंगे, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, कोबरा, पॉर्कुपाइन से लेके आपको अजगर और मोर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि हिप्पोपोटामस यहाँ पे कानपुर के चिड़ियाघर में देखने में कैसा लगता है। कानपुर के चिड़ियाघर का ये सफ़र भी आपका होने वाला है सुहाना, और हमारे साथ हमारे कैमरामैन हैं मिस्टर आर्यन, जो कि कर रहे हैं ये वीडियो और आपको दिखाएंगे। ये देखिए सामने जो है ये हमारे हिप्पोपोटामस यहाँ पे बैठे हैं, जिनको दरियाई घोड़ा भी कहा जाता है, हिप्पो के नाम से जाने जाते हैं, और ये इस समय पूरा पानी के अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि गर्मी है, मौसम ऐसा है, तो ये पूरी ठंडाई ले रहे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका जो बोर्ड है दरियाई घोड़े का वो क्या कहता है, कि जैसे कि ये बोर्ड में लिखा हुआ है दरियाई घोड़ा, इनको हिप्पो के नाम से भी जाना जाता है, और ये है शाकाहारी। तो ये
नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ये शुद्ध शाकाहारी हैं और इनका जो वजन है वो लगभग 9 टन है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितने भारी भरकम है, फिर भी गर्मियों में ये परेशान नहीं हो रहे हैं, आराम से पानी के अंदर जाके ठंडक ले रहे हैं, जिसको देख के आपको भी थोड़ी ठंडक लगने वाली है। ये लीजिए, हम आ गए हैं इस समय घड़ियाल के बोर्ड पे, जहाँ पे लिखा हुआ है ये जो 300 से 675 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसका वजन जो है 160 से 250 किलोमीटर तक होता है और मादा का 120 से 200 किलो का वजन होता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने भारी भरकम ये जानवर हैं, जो कि चिड़ियाघर में यहाँ पे रखे गए आप लोग के मनोरंजन के लिए। तो मैं बस यही आशा करता हूँ कि अगर आप चिड़ियाघर आ रहे हैं तो चिड़ियाघर को थोड़ा साफ़ सुथरा रखें, इन जानवरों को परेशान न करें, क्योंकि यही जानवरों से बना हुआ है चिड़ियाघर। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, हम घड़ियाल का मज़ा ले रहे थे, हमारे सामने मेंटेनेंस का जो काम करते हैं ये कार्यरत है यहाँ पे शिवपाल सिंह जी, और हम इन्हीं की जबान से सुनेंगे कि इनको यहाँ पे चिड़ियाघर में काम करते हुए कितने साल हो गए हैं और इनको कैसा लग रहा है। 10 साल हो गए। और आपको यहाँ पे काम करते हुए कैसा लग रहा है? अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, शुद्ध वातावरण, इससे सुंदर जगह कहाँ। हाँ, एडवेंचर का जो पूरा आनंद लेना है और सही हवा लेना है तो यहाँ पे घूमना जरूर है। और आपसे हमारा जाते जाते बस एक ही सवाल है कि जो चिड़ियाघर में आ रहे हैं देखने घूमने, जो कभी कभी खा पी के जो पैकेट इधर उधर फेंक देते हैं, बॉटल फेंक देते हैं पानी का, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही अनुरोध है कि जहाँ जहाँ डस्टबिन रखे हैं उसी में डालें। तो आप देख ही सकते हैं कि आप सरकार से आप हर समय मतलब कि जिरेबाजी आप कर नहीं सकते, उन पे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये आपका भी दायित्व है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं जिस तरीके से आप अपना घर साफ सुथरा रखते हैं तो देश को भी साफ सुथरा रखना आपका ही दायित्व है। तो आप आ चुके हैं कानपुर के चिड़ियाघर में और इस समय हम खड़े हैं एमू के बाड़े के सामने। तो आप देख ही सकते हैं कि एमू जो कि 148 सेंटीमीटर इसकी मेल की जो लेंथ होती है, वेट जो होता है 30 से 35 किलोमीटर होता है, 30 से 35 किलोग्राम का होता है। और आप देख ही सकते हैं कि इनका जो डाइट है वो ये घास पत्तियाँ खाते हैं, माने कि इसका ये ओमनिवरस है। हम इस समय आ चुके हैं कानपुर के चिड़ियाघर में, चलते चलते यहाँ का जो राजा है जिसको कहते हैं बब्बर शेर। तो आप आ चुके हैं कानपुर के चिड़ियाघर में और हमारे सामने है बब्बर शेर का ये बोर्ड, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसको एशियाटिक लायन के नाम से भी जाना जाता है और ये पाए जाते हैं उत्तर और मध्य भारत गुजरात राज्य के सासनगीर वन में। तो आप देख ही सकते हैं कि ये कितने फेमस हैं यहाँ पे, और चिड़ियाघर को राजा इनको ऐसे ही नहीं कहते क्योंकि इनका नाम शेरों का शेर बब्बर शेर है। तो आप देख सकते हैं कि हम कानपुर के चिड़ियाघर में हैं, बब्बर शेर का इंतजार कर रहे हैं, मगर बब्बर शेर जो हैं वो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शेरों के शेर बब्बर शेर, देख सकते हैं कि उनके चाहने वाले कितने फॉलोअर्स यहाँ पे बैठे हैं। तो आइए मेरे साथ आइए, हमारे कैमरामैन आर्यन हमारे साथ हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि बब्बर शेर का इंतजार करते करते क्या ये पूरा दिन आज यहीं बिताने वाले हैं? क्या नाम है आपका? प्रतीक। और आप यहाँ पे बब्बर शेर का कब से इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा हो गया करीब। तो आप देख सकते हैं कि इतना एटीट्यूड लेके बब्बर शेर जो बैठे हैं अंदर घुसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, किससे मीटिंग कर रहे हैं। पत्थर मारे जब भी नहीं आ रहे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। मगर मैं कहूंगा कि आप पत्थर मत मारिए, अच्छे से बुलाइए, बब्बर शेर हैं। कैसे बुलाऊं बब्बर शेर, आ जाइए, ऐसे बुलाऊं? खाने को देते नहीं लगता है मेरे को। आपका नाम क्या है? अनवर खान। और आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या इसके अंदर जान लगता ही नहीं मेरे को, ऐसे पड़ा बताइए, ये हमसे ही डर रहा है। नाम देखो बब्बर शेर, ऐसे पड़े हुए हैं। तो आइए आगे हम और भी अपने भाई से मिलते हैं। आपका नाम क्या है? सुभांशु सिंह। सुभांशु सिंह, आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं बब्बर शेर का, आप क्या क्या कहना है? हमारा यही कहना है, वो पड़ा देखने को नहीं मिल पा रहा है, उन्हें आना चाहिए, घूमना चाहिए, जंगल के राजा वो माने जाते हैं बब्बर शेर। तो आप देख लीजिए, ये ऐसा जंगल है जिसके जो राजा है वो कहाँ पे खोए हुए हैं, अपनी प्रजा के बारे में कोई भी उनको चिंता नहीं है। और हमारे साथ और भी लोग हैं, ये देखिए। आपका नाम क्या है? अनिल। आपको कैसा यहाँ पे आके लग रहा है, और बब्बर शेर का इंतजार करते हुए आपको भी मायूसी हुई? अरे बब्बर शेर सो रहा, हम तो देखने के लिए आ रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो बब्बर शेर का यहाँ पे कोई भी माहौल वातावरण बन नहीं पा रहा है, मगर फिर भी आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मेरे चैनल को बस करना है सब्सक्राइब, जिसका नाम है वेस्टर लाइव। बब्बर शेर आए ना आए, मगर आपके सामने एक शेर तो सामने ही है। तो आप देख सकते हैं कि चिड़ियाघर में हम बब्बर शेर नहीं देख पाए, हमको हुई थोड़ी सी मायूसी क्योंकि वो सो रहा था, मगर हमको मिले इतने प्यारे मासूम से बच्चे जो खिलखिलाते हुए, हम अपने आप को रोक ना पाए और हम यहाँ पर रुक गए। इनसे थोड़ी सी हम इनकी हंसी जो है हम अपने कैमरे में करेंगे कैद, जिससे आपका सफ़र होगा सुहाना। और इनके साथ हैं हमारे साथ महवीश जी
और अदनान जी। आपका नाम क्या है? माय नेम इज सलमा खान। कि जिसके पीछे खान जुड़े हैं तो आगे चल के सेलिब्रिटी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? आपको कैसा लग रहा है अलीमा जी? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप चिड़ियाघर में कितनी बार आई हैं? वन बार। हाँ? टू, टू, टू। टू बार आई है। देख रहे चेहरे पे कितनी मुस्कान है, तब भी मासूम भरे इनकी और सच्चाई से इनका आंसर आ रहा है। चिड़ियाघर दो बार आए। इनके बगल में जो बैठे हैं ये लगता है इनके भाई हैं। इनका नाम भी हम जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अली, मोहम्मद अली सकलैन। कितनी बार आ चुके हैं आप कानपुर से? ही थोड़ा सा बताइए जी। हम कानपुर से ही हैं और कम से कम 12-13 बार तो आ ही चुके हैं। तो आप देख ही सकते हैं कानपुर के जो लोग हैं उनको चिड़ियाघर आना कितना पसंद है। अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों को आना कितना पसंद है, क्योंकि चिड़ियाघर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देख के हर एक का सफ़र हो जाता है सुहाना। जो आदमी होता है पहले आता है शादी के पहले चिड़ियाघर का जो आने का जो हिसाब किताब अलग होता है। शादी के बाद बच्चे जब हो जाते हैं तो बच्चों को एंटरटेन भी कराने के लिए फिर भी चिड़ियाघर का जो रिश्ता है वो टूटता नहीं है। तो हम अदनान जी से बस ज़्यादा हमको परेशान नहीं करेंगे, बस एक ही सवाल करेंगे कि उनको चिड़ियाघर में आते आते कितना टाइम हो गया और उनको कैसा लग रहा है? हम तो बहुत बार आ चुके हैं, शादी से पहले भी आ चुके हैं, शादी के बाद भी आ चुके हैं। इंडिया का एक चिड़ियाघर देखे लेकिन ऐसा मजा नहीं मिला। तो आप देख ही सकते हैं हमारे चैनल पे आपने दार्जिलिंग का चिड़ियाघर भी देखा है। मगर मैं आपको फिर से कहूंगा कि अगर आप कानपुर के चिड़ियाघर आ रहे हैं, अगर आपके पैरों में है जान और अगर आप उठा सकते हैं चिड़ियाघर का शान तो आप तभी यहाँ पे आइए, वरना आपको 2-4 बोतल पानी का लेकर आना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे चलते चलते पसीने छूट जाते हैं। देखिए हमारे भी छूट रहे हैं और लोगों के भी छूट रहे हैं। मौसम ऐसा है और उस मौसम में अगर बब्बर शेर ना मिले तो और मायूसी कितनी होती है। मगर हम इस मायूसी को अपने चेहरे पर नहीं दिखाएंगे, हम आपको आपका सफर करेंगे सुहाना, क्योंकि यही है चैनल डिजिटल लाइफ। तो देखिए बस हम आगे बढ़ते चले गए, हमारे सामने आ गए जेब्रा और आपको सामने दिख ही रहा होगा जो कि आराम से अपना खाना वाना पीना कर रहा है। बारिश होने की बहुत आशंका है और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम आपको चिड़ियाघर का पूरा नज़ारा दिखा दें, क्योंकि बारिश ही बूंदा बूंद में अगर हम फंस गए तो हम आपको ये नज़ारे बिल्कुल भी दिखा नहीं पाएंगे। अगर आप चिड़ियाघर में चलते चलते थक गए हैं, पसीने से तर हो गए हैं और आपको लगी है पेट पूजा, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने ये खाने पीने की स्टॉल लगी है जहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक से लेकर स्नैक्स से लेकर सब आपको मिलेगा। फिंगर चिप्स, वेज पिज्ज़ा, पनीर पिज्ज़ा, मैगी बटर मसाला, मसाला मैगी, चाउमीन, चाय, कॉफ़ी, लस्सी। आपको अगर लग रही है भूख चलते चलते चिड़ियाघर में तो आपको आपकी भूख मिटाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो बस इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर लाइफ। भैया का चैनल करें सब्सक्राइब मिस्टर लाइफ।